तो आज 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे है पूरे इंडिया में, एंड इसी वजह से मूवी थिएटर्स के टिकट के प्राइस 75 रुपीस कर दिए गए थे, इसलिए सारे थिएटर्स ऑलमोस्ट फुल थे। एंड उसी सिनेमा डे के मौके पर रिलीज हुई है फिल्म चुप, स्टारिंग सनी देओल, दुलकर सलमान एंड श्रेया धनवंतरी। एंड हमारे इंडिया में कितनी ही मूवीज़ देखी होगी आपने जो किसी मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड होती है, वेल ज़्यादा नहीं। एंड इस मूवी को देखकर मैं कह सकता हूँ कि बॉलीवुड की तरफ से ये मूवी एक फ्रेश एंड न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और अच्छी लगी। तो अगर सीधे सीधे मैं इस फिल्म की कहानी को शॉर्ट में समझाऊं, तो ये फिल्म है एक साइकोपैथ सीरियल किलर की जो फिल्म क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स का मर्डर कर रहा होता है उनके गलत जजमेंट पर। मतलब ये फिल्म हमें सिनेमा की तरफ ये मैसेज देती है उन लोगों को कि अगर अच्छी फिल्म है तो उसे 4 या 5 स्टार मिलता है एंड बुरी हो तो 1 या 2 स्टार। लेकिन जब कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी होते हैं जो मूवी अच्छी हो तब भी उन्हें 1 या 2 स्टार देते हैं एंड बुरी मूवीज़ को 4 या 5 स्टार, जैसे हीरोपंती 2, सत्यमेव जयते एंड राधे नेवरमाइंड। तो बस वो सीरियल किलर्स उन्हीं को मारता है जो ऐसा करते हैं, और उन्हें ब्रूटली मारकर उनके हेड पर जितने स्टार्स उन्होंने मूवी को दिए होते हैं वैसे ही वो उनके सर पे काटकर बना देता है। एंड क्या पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी, एंड वो ऐसा क्यों कर रहा है, एंड इसके पीछे क्या उसका कोई पास्ट है, बस इसी बारे में है ये फिल्म। तो देखो फिल्म 2 पैनल्स पर चलती है, एक है फिल्म में लव स्टोरी का एंगल एंड सेकंड इज द मर्डर मिस्ट्री, और दोनों के कोलैबोरेशन में एट टाइम्स कुछ एक बार ऐसा होता है कि मूवी थोड़ी सी ड्रैग होती है, लेकिन वो सस्पेंस एंड थ्रिल आपको बना के रखता है फिल्म के साथ। एंड अगर सच बताऊं तो ये मूवी एक एक्टर्स मूवी नहीं है बल्कि स्टोरी एंड कॉन्सेप्चुअल है। इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग एंड कॉन्सेप्ट ही इसका कोर एंड इसकी जान है। एंड एक्टिंग की बात करूँ तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है दुलकर सलमान की, एस्टोनिशिंग एंड मैनेसिंग। आई मीन पहले सीतारमन एंड अब चुप, दुलकर सलमान इज रियली द नेक्स्ट बिग थिंग राइट नाउ। एंड सनी देओल भी एक फियर्सफुल कॉप के रोल में अलग लग रहे थे, एंड इस तरह का कैरेक्टर उन्हें और करना चाहिए। वहीं श्रेया धनवंतरी इज स्मूथ एंड स्प्लेंडेड, मतलब वो नेचुरल एंड स्मूथनेस उनकी एक्टिंग में साफ झलकती है। तो ओवरऑल बात करूं तो चुप एक नया और फ्रेश कॉन्सेप्ट है विद अ डार्क थीम जो कि आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। एंड ये मूवी 18+ है तो इसमें खून खराबा भर के दिखाया है, सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड इट टू एवरीवन। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट करके बताया कि आपने चुप मूवी देखी या नहीं, और अगर देखी तो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी YouTube के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।